हैप्पी होली सभी को। चलो रंग लगाते हैं सब लोगों को। सुबह सुबह होली से स्टार्ट कर रही हूँ मैं ब्लर। और आप लोगों को मीठा ज्वारी, हमारे यहाँ ज्वारी बोलते हैं, ज्वारी कराते हैं। रसगुल्ले दिखाती हूँ कितने बचे, ये देखो ज्वारी कर लीजिए। और गुजियाँ भी खिलाती हूँ मैं आप सबको, एक मिनट, ये लीजिए गुजियाँ भी खा लीजिए। तो मीठे से मीठे का त्यौहार करते, तो चलो बच्चों के कलर लगाते हैं। ये देखो हैप्पी होली। पापा भी लगाएंगे, सोना तुम भी लगवा लो, सोना पापा को लगा दो। मुर्गा रंग है, मुर्गा चूर कर, ठीक है। हेलो कैमरा सबको बोल दो हैप्पी होली। सोना हैप्पी होली बोलो। रुक जा तो हैप्पी होली, रुक जा रुक जा, बैक कैमरा होली। बस बस थोड़ा सा ही, थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है। और ये पापड़ हैप्पी होली। लो आज ज्वारी बोलते हैं ना, ज्वारी कर लो। हैं लो मंच कर ले, पापड़ खाओ, हैप्पी होली। लाइट कम आ रही है कैमरे में ना, मैंने ज्वारी करा दी ऐसे गुजिया रसगुल्ले से। मैं भी तो करा था पापड़ थे आप सब लोगों के लिए। नहीं सोना लगाएंगे आप, सोना दीदी के भी लगाओ, दीदी के लगाओ और सोना के भी। ज्यादा नहीं लगा रही, सोना को डर लगता है ना उससे, लापन सिला के लगा। अब वो करने जा रही हूँ, और गर्मी बहुत है आज, है ना दीदी। दीदी ये कर दी, क्या बना रही हो? हैप्पी होली। दूसरा और कलर ले लो ना, अभी तो मसाला मांगे वेस्ट हो गया। देखो मैंने क्या बनाया। हाँ बनाओ बनाओ, बिल्ली बना दी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। हैप्पी होली मेरी फैमिली की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली का मैया आपके जो भी कष्ट या वो हैं सारे अपने साथ ले जाएं। आप सोच रहे हो मैं ये गली में क्यों दिखा रही हूँ? यहाँ पे वंशिका थोड़ी देर के लिए होली खेलने गई थी, अभी दिखेंगी, थोड़ी बहुत दिखेंगी। पतली सी गली है तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, तो यहाँ पे वंशिका गई थी, नहीं मानी थोड़ी सी देर के लिए, बच्चे बच्चे थे तो थोड़ी सी देर के लिए मैंने उनको भेजा था। तो यहाँ सोना वंशिका होली का रंग खेल रही, हम ही लोग हैं और सभी में ही मैं इनको बुला रही थी, आ जाओ थोड़ा सा कलर लगवा लो। वैसे लगा लिया था, खेल लिए थे, तो बस परिवार फैमिली के साथ बच्चों के साथ ऐसे ही खेला। और ऐसी सीधी सादी सही लगती है सोना वंशिका के, मौज मस्ती चले हुए हैं। ये देखिए इस तरीके से लगाने में लगे हुए थे। जो भी होता है, पिछले बार की होली तो आपको पता है गाँव में की थी, गाँव में कितना सारा मस्ती किया था। यहाँ भी ठीक है अपने लोगों के बीच, और सब ऊपर नीचे मतलब सब अपने अपने मतलब घर में जो टीका ईका है वही लगा रहे थे, और ये यहाँ पे उठ नहीं रहे थे, हम तीनों इनको उठाने में लगे हुए थे। और ये देखो ये फिसले जा रही, जैसे लग रहा देखो अभी वंशिका भी कैसे फिसलेंगी। तो बस ये थोड़ा सा खेल कूद के मस्ती जो भी है वो करके खाना पीने में लग गई थी, वैसे खा पी लिया था। और ये वंशिका पट पट गिरे जा रही थी, दोनों की दोनों उठाए जा रही थी और गिरे जाती, कलर नीचे फैला हुआ है, रंगोली बनाई थी ना उसकी। और यहाँ पे इनके मैंने पेरेंट्स के आशीर्वाद लिया, तीज त्यौहार लेते हैं ना, पर मैंने वो क्लिप डिलीट कर दी कि अच्छा नहीं लगता है ना, इसीलिए रियल आवाज़ रखी है। Yeah, right.
और मैंने बनाए थे छोले और मसाले। आप लोग कई बार सैर भी किए उधर चाय का पानी, बिना चाय के पानी के मुझे छोले अच्छे नहीं लगते हैं। उधर अदरक चाय पत्ती इलायची डाल के काला पर चाय पत्ती का पानी उबल रहा है, इधर मसाला तैयार है हमारे छोले का। दो टमाटर डाले थे, तीन छोटे छोटे प्याज लिए थे और 7-8 लहसुन की कलियाँ ली थी, तो मसाला हो गया था। और ये देखिए इसमें डाल दिए, अब इसको ढकने देते हैं छोले को बनने के लिए, और इसे टाइम लगे। और इस चाय का पानी डाल देते हैं, फिर कितने पतले रखने कितने नहीं, पूरी के साथ खाएंगे तो मैं ठीक ठाक रख देने हैं। 10-5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे, और ढक के रखने के बाद ये देखिए इस तरीके के हो जाएंगे। आप लोग सोचते हो, जो लोग बहुत सारे यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं उन्हें पता होगा, हम लोग तो कट कर देते, बस आपको दिखाया कि अब 10-5 मिनट बन जाए, फट से वहीं से स्टार्ट हो जाता है, तुरंत बन गए। तो ये देखिए हमारे छोले बन के, देखिए ना पतले हैं ना गाढ़े हैं। टमाटर माटर सब गल, ज़्यादा टमाटर मैं गलाती नहीं हूँ, इनको टमाटर पसंद रहते हैं इसलिए खड़े रखती हूँ। तो हमारे छोले बन गए हैं, इनके साथ मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। ये देखिए आटा मैंने गूंद लिया था पहले ही, पूड़ी का आटा आपको पता ही है टाइट गूंदते हैं। लोइयाँ कर ली हैं अकेले, वैसे तो ये भी मेरे साथ सिखवा देते पर अभी इन्होंने नहीं सिखवाई है, बच्चों के साथ खेलने में बैठे हैं। पर कोई नहीं, मैं यहाँ पे देखिए पूरी बेल बेल के पेपर पे रखती जा रही हूँ फटाफट से। और आपको पता होगा हमारी यूपी में बड़ी बड़ी पूड़ियाँ मिलती हैं, और मेरी ससुराल में आगरा में छोटी छोटी पूड़ी, पता है हमारे शादी में तो ये बड़ी पूड़ियाँ बनती हैं। क्या शादी होगी ना, फिर मैं उसमें दिखाऊँगी। तो यहाँ पे इस तरीके की पूड़ी, पतली पतली सी पूड़ी बेल ली है मैंने, वो थोड़ी सी मैदा थोड़ा सा वो करके मिक्स करके, और काफ़ी ज़्यादा मतलब पतली पतली पूड़ियाँ बनाते हैं ना तो काफ़ी फूली फूली होती है। देखिए इस तरीके से पतली रखिए और थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, छोटी बड़ी आपके ऊपर है, और इस तरीके से सेक लीजिए छोले के साथ अच्छी। और कुछ भी नहीं बनाया मैंने आज, बहुत थकान हो गई थी 2-3 दिन से, अभी इसी में पूरा दिन निकल जाएगा। तो बस सेकती जा रही हूँ, इनको देती जा रही हूँ, ये लोग खाते जा रहे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, फिर भूख भी लगाई थी, और त्यौहार पे तो आपको पता है जल्दी मिल जाए, सारा काम लेट हो जाए ये हो जाए। हमारे इंडियन फेस्टिवल बहुत पूरी पकवान इन सब के होते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, तो सेकती जा रही हूँ अच्छे से तेल, इनका नचोड़ती जा रही हूँ तेल ना रहे। तो ये है इनकी थाली, रायता है, गुलाब जामुन, गुजिया हैं, छोले हैं, पापड़ हैं, पूड़ी हैं। और मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर का कमेंट आया, ऐसे क्यों नहीं बनाए वो ऐसे, और वो क्या कहते हैं, अरे गुजा भी होते हैं, वो मुझे नहीं बनाने आते, ऐसे में बहुत टाइम लगता है, गुजियाँ ऐसे ना पूड़ी कूट के बनाते, ऐसे तो गोल गोल होते हैं, गुजियाँ ऐसे गोजा बोलते हैं, वो पूड़ियों को कूट के बनाते हैं, पहले पूड़ियों को बना लो फिर उनको सुखा के फिर कूट के उसके जैसी गुजियाँ बनती है वो गोजा बनते हैं मोटे मोटे से, वो नहीं बनाए मम्मी सब बनाती हैं। और यहाँ पे मैंने सफाई कर दी, पूरे आंगन में बच्चों ने कलर कर दिया था, बाहर का कोई नहीं था, हम घर के ही थे और कचरा टंगा, गाड़ी नहीं आई है इसीलिए। और मैंने बालों में तेल लगा दिया, अब नहा धो के मुझे खाना खाना है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। और ये मेरा वाइपर टूट गया है, पर वंशिका ने इसको ठीक कर दिया था, है ना वंशिका, टेप लगा के इसको ठीक कर दिया था। वंशिका भी सुन रही है ना आवाज़, सोना वंशिका, और सोना वंशिका अपनी दीदी का बहुत ध्यान रखती है। सोना कहीं वहाँ पे गई थी ना नीचे होली खेलने, तो वो रही दीदी को बुलाओ, दीदी को दीदी को तुम समझा नहीं सकती हो, बता नहीं सकती हो पानी से ना खेले, मैं पानी से कहाँ खेल रही थी, ऐसा ना ये पानी से भूत हो रही थी। पानी से भूत हो रही थी तो तुमने समझाया नहीं। हाँ समझाया था। कैसे समझाया था? मुँह नहीं धोना। दीदी को कैसे समझाया था, बोला नहीं कि गुब्बारे से नहीं खेलना, पानी से नहीं खेलना? अगली बार की होली तो पापा बहुत मजेदार करवाएंगे, अब की बार आज की होली तो मैं पता नहीं था इतनी अच्छी होगी, और अगली की हाँ। सोना क्या कह रही हो दीदी को समझाओ, दीदी को समझा दो कि पानी से ना खेले। क्या है? वो कान में समझाने आई है। अरे हाँ समझा दो। अब तो होली खत्म, चुप बैठ।
सारी होली हो गई है, बच्चों को नहला दिया है, मोटर चला के टंकी भर ली है। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, खाना फिर वापस आके खाऊंगी। बहुत किचन फैला हुआ, नहा लेती हूँ। शक्ल देखो, सभी लोग मकान में नहा धो लिए, कपड़े धो के तब नहाऊंगी, कपड़े हो रखे हैं। तो चलो, मैंने बोला शक्ल देखो कितने, और दिखाती हूँ वो देखो, कपड़े पड़े हैं, बच्चे नहा धो के टीवी खाना ना खिला के बिठा दिया है। अब मैं नहा लेती हूँ और खाना भी बना लिया है, मैं नहा के आके खाऊंगी। चलिए नहा के आती हूँ, नहा धो ली और नींद सी भी आ रही है थोड़ी, आँख ऐसे लग रहा था नींद नींद सी आ रही होगी। चलिए ये कपड़े उठा लेते हैं, वंशिका बाबू चलो पापा, ये अम्मी देना, अम्मी देना। तो चलो इनके कपड़े लेके, इनके भी कपड़े निकाल लेती हूँ, धो लेती हूँ। तार भी पूरे में नीचे नीचे सब में किचकिच हो रखी है, पूरे सफाई करती हूँ। फिर आप भी नहीं करूँ फिर कल के लिए बहुत सारा काम हो जाएगा। तो चलिए कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ नहा धो के अच्छी शक्ल के साथ। इतनी कलरफुल, कलरफुल भी होनी बहुत ज़रूरी है, साल में एक बार तो आता है ना। और यहाँ पे बस नहा धो के किचन के बर्तन धोए, इतने सारे बर्तन हो गए थे, और बस स्लिप साफ कर दिए, सारा समेट दिया है। समेट दो ना तब शांति मिलती, नहीं फैली हुई किचन तो बहुत वैसी लगती है। तो किचन देखो, पता चल ही गया होगा, सब स्लिप स्लिप के ऊपर मैंने कपड़ा मार दिया है, क्योंकि तीन दिन से मतलब ऑयल ऑयल का खाना बन रहा है, तो छींटे ईटे ऐसे लग रहा है, पूरा किचन वैसे लग रहा है, छींटे से चल जाते हैं ना। तो पूरे किचन में मैंने कपड़ा मारा है और बर्तन धो लिए, बर्तनों को सेट कर लिया है मैंने, बस ये था। और कैसा लगा मेरा होली ब्लॉग आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे मैं ये पानी निकाल दे रही हूँ, सूखा सूखा अच्छा लगता है सूखा। और ना अभी गर्मी आ गई है तो इसमें ना वो लकड़ी घुनने लगी है, तो फिर बड़ा वो लग रहा है। गर्म सर्दियों में नहीं लकड़ी घुनी थी, पता नहीं गर्मियों में घुनती है, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है। तो बस ये था आज का, ज़्यादा बड़ा नहीं किया है, छोटा सा ही है। और तीन दिन से तो वैसे ही रेसिपी एक और बनाऊंगी, मेरा खोया और बूरा रखा है, तो क्या बनाऊंगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या बनाऊं। खोया रखा है, बूरा रखा है, तो उनको ख़त्म करना है। आपको पता है 2 किलो मंगाया था, देखती हूँ क्या बनाया क्या नहीं बनाया। और बच्चे अच्छे सब तैयार कर दिए, सबको रेडी कर दिया, ये भी नहा धो लिए हैं। अब इसके बाद करके किचन की लाइट ऑफ करके उस वाले कमरे में जाके टीवी देखूँगी, थोड़ी बहुत देर आराम करना होगा, वो आराम करूँगी, बालों को सुखाऊँगी, गीले बाल सही नहीं रहते हैं, और हल्के हल्के गीले मतलब थोड़े थोड़े में उसी में कंघी कर लेती हूँ, सूखने के बाद गिरते हैं। खाना हो गया है सारा, बाल धो लिए, कपड़े भी धुल गए, फ्री हो गई, खाना खाने जा रही हूँ। ऐसा नहीं खाना नहीं खाया, हल्का पूरा खाया, खाना नहीं खाया मतलब रोटी सब्जी पूड़ी सब्जी ये नहीं खाए, पापड़ आपड़ अल मतलब फालतू की चीज़ें ज़्यादा खाई हैं। तो चलिए देखो कपड़े कैसे पड़े होंगे, दिखे नहीं दिखे, पर अभी काम बहुत सारा पड़ा है, पूरा माथा हो गया, हट गया। हम लोग ही तो खेले और कोई भी नहीं, बाहर कहीं गए नहीं थे, अंदर ही अंदर खेले हैं। और कल बहुत सारे कमेंट आए गुलाब जामुन कच्चे, कैमरे में दिखते ऐसा होता नहीं, ये देखो, और इतने ही मुझे पसंद है, इतने ही रखने। और देखो बड़े कितने कितने हो गए हैं, ये देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं। ठीक है, एक ले लेती हूँ अगली वाली से। वैसे मैं करारे मैंने इसीलिए नहीं किए क्योंकि अच्छे नहीं लगते हैं कैमरे में, फिर बहुत ज़्यादा काले दिखते हैं, तो इसीलिए मैंने कम रखे। एक ले लिया है, कितने तो ब्राउन है तब भी आप लोगों को कच्चे लगे, कोई बात नहीं है, और अच्छे से ट्राई करेंगे। और देखिए एकदम सॉफ्ट बने हैं, गर्मी बहुत हो गई है। पेट दिखा रहे तो इनका पेट देखो, बंद कर दिया, बंद कर दिया, कितना बड़ा कितना बड़ा, तो पेट ही नहीं दिखा। क्या खाते हो? माल खाते हो, गिरा मत वैसे चीनी लग जाएगी। कितनी जल्दी से ढका पेट को गर्मी लगती है, पेट को खोल के रहो। इनका पेट बहुत बड़ा है, पापा का पेट बड़ा हो गया है। हाँ। चलो गर्मी हो रखी है ना, देखो अभी नहा के पसीना आ रहा है, देखो देखो। चलो काम करते, बहुत सारी बातें हो गई।
चलो इस वीडियो के ही एंड करते हैं, बाय। अपना ध्यान रखिएगा, हैप्पी होली। ये ब्लॉग जाया तब तो होली ख़त्म हो गई होगी, बाय। पंखा चल गया, हाँ। आपने गुब्बारों की होली खेली।